नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से। बैरकपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत और नए 8 थाने बनेंगे। नवान्ने द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक दक्षिणेश्वर, नागेर बाजार, कमरहट्टी, वासुदेवपुर और शिवदासपुर सहित हाली शहर जेठिया में ये थाने बनाए जाएंगे। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के थानों के विस्तार, विशेषकर कल्याणी हाईवे व ग्रामीण इलाकों में अपराध दमन के लिए थानों की स्थापना हेतु बैरकपुर कमिश्नरेट की यह योजना थी, जिसके लिए कमिश्नरेट की ओर से राज्य सरकार के पास प्रपोजल भेजा गया था। इस पर आज स्वीकृति लग गई। फिलहाल कमिश्नरेट के अंतर्गत 17 थाने हैं। विधानसभा में भाजपा के लगातार जय श्री राम के नारों के बीच ममता ने कहा जय बांग्ला। विरोध प्रदर्शन के बीच लगातार अपना भाषण देती रही सीएम। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन ही सदन में भाजपा द्वारा अलग अलग मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के दौरान भी भाजपा विधायकों ने यह प्रदर्शन किया और सीएम के वक्तव्य के दौरान लगातार प्रदर्शन जारी रहा। जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए गए। भाजपा विधायकों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद सीएम ममता बनर्जी ने 40 मिनट तक अपना पूरा भाषण दिया। इस दौरान उनके जय श्री राम के नारों का जवाब जय बांग्ला बोलकर ममता ने दिया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, जताई चिंता। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र की एक प्रति मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और क्रूरता के बढ़ते मामलों पर बेहद चिंता व्यक्त की है। जल जीवन मिशन में बंगाल पिछड़ रहा है, ऐसा कहना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। पहले बंगाल के पूरी आबादी के सिर्फ 1% घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया जाता था, जो कि फिलहाल 18% तक पहुंच चुकी है, लेकिन यह अभी भी काफी कम है। और एक नया गवर्निंग मॉडल दिया गया है कि देश में जो भी योजना प्रारंभ होगी वो 100% कवरेज तक, 100% एलिजिबल लोगों तक पहुँचे, इस दिशा में हम काम करेंगे। इन सब योजनाओं को सफलता के साथ में लागू करने के बाद 2019 में देश के प्रधानमंत्री पद पर दोबारा आसीन होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में हर घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी, उचित गुणवत्ता का पानी और समुचित मात्रा में पानी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी तीनों को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन की घोषणा की, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर मिशन एवर टेकन एनीवेयर। पुस्तक मेले में सबसे ज्यादा बिक रही है सीएम ममता बनर्जी की किताब खेला होवे। कोलकाता पुस्तक मेले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई खेला होवे किताब खूब बिक रही है। सोनले के सेंट्रल पार्क में कोलकाता पुस्तक मेला चल रहा है। पुस्तक मेले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीब 12 किताबें हैं, लेकिन सबसे अधिक खेला होवे की बिक्री हो रही है। कुछ ही दिनों में इस पुस्तक की 400 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। एक नज़र जिलों की खबरों पर। टोटो ड्राइवर ने लौटाया यात्रियों का रुपयों से भरा बैग। चूचुरा के तोला फाटक के निवासी आलोक दत्ता ने कहीं गिर गए अपने रुपयों के भरे बैग के वापस मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और एक टोटो ड्राइवर ने उन्हें उनके पैसों से भरे बैग लौटा दिए। आलोक दत्ता ने टोटो ड्राइवर शायन दास की भूरी भूरी प्रशंसा की है। তারপর অপোজিট সাইড থেকে তখন খবর দিলেন যে আপনার এই ফোনে কে কথা বলেছেন একটু দিন। উনি তখন বললেন যে আমরাই বলেছিলাম দাদার একটি ব্যাগ হারিয়ে গেছে, সেই ব্যাগটা কিন্তু পাচ্ছে না, কাটাকাটি ব্যাগটা ফিরে পেয়ে এখন কেমন লাগছে? মানে আমি কী বলবো, আমার হচ্ছে আপনাদের সকলকে পায়ে ধরে রক্ষা করি। আচ্ছা, তো কোনো স্ট্যান্ড আছে তোমার? হ্যাঁ, আমার টুলপাতি মোড়ে স্ট্যান্ড আছে। एक नज़र देश दुनिया की खबरों पर। यूक्रेन में रेडिएशन का खतरा बढ़ा।
চেরনোবিল নিউক্লিয়ার প্লান্ট কে কুলিং সিস্টেম কে লিয়ে ইন্ধন কি কমি হুই। এক নজর মনোরঞ্জন কি খবরো পর। অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডিস কো দ খতরা খতরা শো পর কিয়া গিয়া স্পট। কল কা মৌসম। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।